महाराष्ट्र और बारिश, इनका एक अनोखा ही रिलेशन है। हरियाली से भरे हुए गांव, पहाड़ों से गिरने वाले वॉटरफॉल और फॉग में छिपे हुए हरे भरे पहाड़, सब कुछ काफी खूबसूरत सा लगता है। और ऐसे ही नेचुरल ब्यूटी के बीच में सह्याद्री में घूमने का मजा ही कुछ अलग है। और ऐसे ही कुछ अलग एक्सपीरियंस के लिए आज हम आपको लेके आए हैं सह्याद्री के डार्केस्ट फॉरेस्ट ट्रेक में से एक, ब्यूटीफुल और एडवेंचरस अड्राई जंगल ट्रेक पे। हेलो एवरीवन, दिस इज पुरवा, दिस इज नीलेश एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द रोमिंग ड्यूओ। तो गाइस, आज हम और एक एडवेंचरस ट्रेक करने के लिए आए हैं और ये है महाराष्ट्र की ब्यूटीफुल एंड द डार्केस्ट जंगल ट्रेक। इसका नाम है अड्राई जंगल ट्रेक। तो गाइस, हम लोग कहाँ पे आए मैं आपको बता दूँ, मुंबई से अराउंड 130 किलोमीटर और पुणे से 120 किलोमीटर के डिस्टेंस है। पुणे डिस्ट्रिक्ट के जुन्नर सिटी के अंदर एक विलेज है जिसका नाम है किलेश्वर विलेज, और ये विलेज जो है मालशेज घाट के जो एकदम नज़दीक पड़ता है। और यहाँ से जो है ये अड्राई जंगल ट्रैक जो है वो स्टार्ट होता है, और यहाँ से जो है हरिश्चंद्रगढ़ का जो ट्रैक है वो भी यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इस बार हम लोग आए हैं हाइक एंड वंडर के साथ, इनका जो है ट्रांसपोर्टेशन भी इस पैकेज में इंक्लूडेड है। तो हमने 9 o'clock को बोरीवली से बस बोर्ड की थी, जो हमें यहाँ पे अराउंड 4 o'clock तक यहाँ पे हमें ड्रॉप किया उन्होंने। तो अभी मॉर्निंग में अराउंड 5:30 को हम सब लोग रेडी हो गए, ब्रेकफास्ट किया, कांदा पोहा खाया चाय के साथ, और अभी अराउंड 6 बजे है तो हम लोग निकल पड़े हैं हमारे ट्रैक की ओर। तो चलो फिर आज एक्सपीरियंस करते हैं और आपको भी दिखाते हैं इस एडवेंचरस ट्रैक में हम लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है। तो लेट्स गो। दूसरी बात, कोई भी जो ग्रुप का हेड है उसके आगे जाएगा नहीं। और फिर यहाँ पे टीम ब्रीफिंग के बाद पूरे ग्रुप के साथ हम खिरेश्वर विलेज से निकल पड़े अड्राई जंगल की ओर। खिरेश्वर विलेज के नज़ारे मॉनसून में सच में देखने लायक होते हैं। हरे भरे खेत और ऊंचे पहाड़ों से बहते वाटरफॉल इस गांव को और भी खूबसूरत बना देते हैं। और ऐसे ही खूबसूरत और पीसफुल गाँव में अगर आपको स्टे करना हो तो यहाँ पे काफी सारे लोकल होम स्टेज के ऑप्शन भी अवेलेबल है। अड्राई जंगल ट्रैक एक मॉनसून स्पेशल ट्रैक है और इस ट्रैक के स्टार्टिंग से ही हमें छोटे छोटे वाटर स्ट्रीम्स और काड़ू रिवर को क्रॉस करके आगे बढ़ना पड़ता है, जो इस ट्रैक को थोड़ा एडवेंचरस बना देता है। तो बेसिकली ये जो ट्रैक है इसको बहुत लोग अलग अलग नाम से प्रोनाउंस कर रहे हैं। कोई कोई अड्राई बोलता है, कोई अड्राई बोलता है, कोई कोई अड्राई बोलता है। तो इसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है अड्राई जंगल ट्रैक। अब मराठी में इसका मीनिंग क्या होता है कि डोंगराच्या आडोशाला असलेली वन राई किंवा देवराई म्हणजे अड्राई। यहाँ के जो लोकल लोग हैं इसको देवराई बोलते हैं, क्योंकि ये जो जंगल है इसके अंदर जो है एक भैरवनाथ का मंदिर भी है, भैरवनाथ भगवान का। तो इसलिए यहाँ के लोग जो है इस जंगल को जो है अड्राई जंगल बोलते। अराउंड 1 घंटे फ्लैट पैच पे ट्रैक करके और 4-5 वाटर स्ट्रीम्स को क्रॉस करने के बाद हम पहुंच गए हैं इस थोड़े इंक्लाइन और रॉकी पैच पे, जहाँ पे ट्रैक करने के लिए अच्छे ग्रिप के शूज पहनना काफी जरूरी है। और फिर ऊपर आते ही नजारे ही बदल गए। हल्की हल्की बारिश, ठंडी ठंडी हवा और फॉग में छिपे हुए पहाड़ों को देख के मजा ही आ गया। और इस फॉग में छिपे हुए ट्रेल पे से इस मौसम के मजे उठाते हुए
हम आगे बढ़ रहे थे अड्राई जंगल की ओर। अभी हम लोग जो है ऐसी जगह पे आ चुके हैं, आप इस साइड पे देख सकते हो पूरा फॉग है और अराउंड 10-15 स्टेप के आगे कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये कितना रिस्क है आपको अंदाज़ा आ रहा होगा कि अगर गलती से भी आप आगे जाते हो आपको कुछ दिखता नहीं और आपका पैर वगैरह स्लिप होता है तो मेजर एक्सीडेंट होने के चांसेस है यहाँ पे। तो इसलिए ऐसे ट्रिक पे जो है अगर आपके साथ कोई एक्सपर्ट हो तो बहुत अच्छा होता है। अगर आपको ऐसे ट्रिक पे आपको रूट वगैरह की जानकारी नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए बेस्ट वे है ट्रैक एक्सप्लोर करने का कि आप किसी एक्सपर्ट गाइड को लेके आए या फिर किसी ट्रैक ऑर्गेनाइजर कम्युनिटी के साथ आए। जैसे हम लोग आए हाइक एंड वंडर के साथ, तो हाइक एंड वंडर जो है महाराष्ट्र के इन एंड अराउंड जो है काफ़ी सारे ट्रैक जो है ऑर्गेनाइज करते हैं, तो अगर आपको उनकी प्रोफाइल चेकआउट करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया और इंस्टाग्राम की लिंक भी डाल दी है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और फिर यहाँ से हमने एंटर कर लिया डार्केस्ट अड्राई फॉरेस्ट में और यहाँ से शुरू हुआ हमारा एडवेंचरस जंगल ट्रैक। अड्राई फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ से भरा हुआ है और इस जंगल में काफी बड़े बड़े पेड़ हैं और ये फॉरेस्ट इतना डेंस है कि मॉनसून में इस फॉरेस्ट में सनलाइट काफी कम आती है, इसलिए इसे डार्केस्ट जंगल कहा जाता है। वैसे तो इस फॉरेस्ट में पाथवे बने हुए हैं, पर ये फॉरेस्ट इतना डेंस है कि एक गलत टर्न लेने से आप इस फॉरेस्ट में यहाँ वहाँ भटक सकते हो, इसलिए आपके साथ खीरेश्वर विलेज का एक लोकल गाइड होना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बड़ा पेड़ यहाँ पे गिरा हुआ है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस जंगल में हवा कितनी तेज बहती होगी और इतनी तेज हवा में इस जंगल में रुकना कितना रिस्की हो सकता है। इस जंगल ट्रैक में हम लोगों को वाटर स्ट्रीम्स और डेंस फॉरेस्ट के अलावा मड और स्लश को भी क्रॉस करके आगे बढ़ना पड़ता है। संडे होने के वजह से काफी सारे ट्रेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ काफी लोग इस ट्रैक पे आते हैं, इसलिए वीकेंड पे यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी भीड़ होती है। और फिर ऑलमोस्ट 3.5 घंटे और अप्रोक्सीमेट 7 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट करने के बाद हम पहुंच गए अड्राई जंगल के एंड पॉइंट पे, जो कि एक खूबसूरत सा अड्राई वाटरफॉल। वैसे तो ये वाटरफॉल मजा मस्ती करने के लिए हमें सेफ लगा, बट ऐसी जगह पे पानी का फ्लो कभी भी अचानक से बढ़ सकता है, तो इसलिए ऐसी जगह पे थोड़ा संभल कर और लिमिट में एंजॉय करना जरूरी है। इस वाटरफॉल के बगल में आपको काफी सारे फूड स्टॉल्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आप मैगी, भजी और कॉर्न जैसी काफी सारी चीजें वाटरफॉल के साथ एंजॉय कर सकते हो। और फिर ऑलमोस्ट 1.5 घंटे अड्राई वाटरफॉल पे एंजॉय करने के बाद हम निकल पड़े ट्रैक के नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है कालू वाटरफॉल व्यू पॉइंट। वैसे तो आप कालू वाटरफॉल व्यू पॉइंट आते वक्त भी विजिट कर सकते हो, बट आते वक्त काफी सारा फॉग था, इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले अड्राई वाटरफॉल विजिट किया और अभी हम फिर से अड्राई फॉरेस्ट के थ्रू निकल पड़े है कालू वाटरफॉल व्यू पॉइंट की तरफ। तो अगर आप बिगिनर हो और मुंबई पुणे के पास कोई इजी और लिटिल एडवेंचरस ट्रैक करना चाहते हो तो आप अड्राई जंगल ट्रैक डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। जंगल एरिया क्रॉस करके बाहर आने के बाद हम लोगों को फेस करना पड़ा काफी ज्यादा तेज हवा और बारिश का, और ऐसे सिचुएशन को फेस करके हम लोग आगे बढ़ रहे थे कालू वाटरफॉल की ओर। कंटाळा भेटला आपल्याला।
वाटरफॉल व्यू पॉइंट पहुंचने के बाद हमें लगा आज हमें वाटरफॉल फॉग के वजह से शायद से देखने नहीं मिलेगा, पर 15-20 मिनट वेट करने के बाद सारा फॉग एकदम से हट गया और फाइनली हमें देखने को मिल गया सह्याद्री का वन ऑफ द माइटीएस्ट और ब्यूटीफुल डिकाड़ू वाटरफॉल। इस पॉइंट पे आपको एक साइड पे काड़ू वाटरफॉल देखने को मिलता है और दूसरी साइड पे आप हरियाली से भरे हुए इस सीनिक व्यू का मजा उठा सकते हो। कुछ देर इस जगह से नेचर को मन भर के देखने के बाद हम निकल पड़े इस ट्रैक के एंड पॉइंट यानी कि खिरेश्वर विलेज की ओर और फिर फाइनली ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर और 7 घंटे का ट्रैक कंप्लीट करके हम पहुंच गए खिरेश्वर विलेज। A few moments later. तो यहाँ पे गाइस हमारा जंगल ट्रैक ड्राई जंगल ट्रैक जो कंप्लीट हो चुका है और ट्रैक कंप्लीट करने के बाद जो हम लोग बस यहाँ पे चेंजिंग रूम से वहाँ पे हम लोगों ने बस कपड़े वगैरह चेंज किए, फ्रेश वगैरह हो चुके हैं और उसके बाद जो है हमारे पैकेज में जो लंच भी इंक्लूडेड था वो लंच भी यहाँ पे हम लोगों ने किया। एकदम टिपिकल गाँव का खाना था, खाना बढ़िया था, तो खाना खा के भी हो चुका और अभी जो हम लोग रेडी है यहाँ से निकलने के लिए और इस ट्रैक के एक्सपीरियंस के बारे में जो है मैं आपको घर जाके बताता हूँ डिटेल में। तो एक काम करते हैं, एक ट्रांजिशन के बाद आपको सीधा मिलते हैं घर पे। तो फाइनली गाइज वी आर बैक फ्रॉम अड्राई जंगल ट्रैक। तो सबसे पहले हम हमारा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अड्राई जंगल ट्रैक सच में काफ़ी बढ़िया ट्रैक है, आप बिगिनर हो या फिर एक्सपर्ट हर कोई यहाँ पे एंजॉय कर सकता है। अगर आप मानसून में कुछ अलग एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो अड्राई जंगल ज़रूर विजिट करना। अब बात करते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट। हम लोग सजेस्ट करेंगे आप यहाँ पे वीकडेज में विजिट करना क्योंकि वीकेंड में तो आपने देख लिया कितनी ज़्यादा भीड़ होती है, बट हाँ अगर आपको वीकडेज में पॉसिबल नहीं है तो आप डेफिनेटली वीकेंड में भी यहाँ पे विजिट करके एंजॉय कर सकते हैं। और हाँ अगर आपको ग्रुप वगैरह के साथ ट्रैवल करना अच्छा लगता हो तो आप डेफिनेटली हाइक एंड वंडर के साथ जो है अड्राई जंगल ट्रैक एंजॉय कर सकते हो। हाइक एंड वंडर जो है महाराष्ट्र के इन एंड अराउंड काफ़ी सारे ट्रैक ऑर्गेनाइज करते हैं, वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस में। उनके पैकेजेस में जो है ट्रांसपोर्टेशन और फूड ये भी इंक्लूडेड होता है जो कि एक अच्छी बात है। तो हाइक एंड वंडर की जो सारी डिटेल्स जो है कॉन्टैक्ट नंबर इंस्टाग्राम का आईडी वगैरह जो हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये हमारा वीडियो आज का पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को करना लाइक, अपने दोस्तों के साथ करना शेयर और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। सब्सक्राइब करना आपके लिए तो फ्री है बट आपके एक सब्सक्राइब से जो हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना और एक ज़रूरी बात, इंस्टाग्राम का आईडी जो है वो स्क्रीन पर नीचे कहीं तो आ रहा होगा तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, वहाँ पर भी हम लोग बढ़िया बढ़िया रील्स वगैरह जो है वो कंटिन्यूसली रेगुलरली डालते रहते हैं। तो बस दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय योर डे, एंजॉय योर लाइफ एंड बी अ लिमिटलेस। बाय।